शायद कि जो ये जो होते ना डालते ये कानून ये एक ऐसा जाला होती है जिसके अंदर जो कमजोर होते हैं ना वो फाते और ताकतवर इस जाले को तोड़ फोड़ के बाहर निकल जाते अच्छा फिर कौमों के तरक्कियों में और उनके रूजो जवाल में इंसाफ बड़ा मैटर कर रहा होता है इंसाफ ही तो मैटर करता तो पाकिस्तान का इंसाफ इतना मैटर करता है कि दिलचस्प बात यह है कि 2023 में नवंबर में सितंबर में के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ जो फैसला जारी किया था उसमें उन्होंने नैब को पाबंद किया था कि वो किसी अब कोई फैसला नहीं, नहीं, नहीं दे सकता एग्जैक्टली ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है कि नैब और इलेक्शन कमीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी बालतर है और ये नैब और इलेक्शन कमीशन जो है इनको बल्कि मेरा ख्याल है कि हम एहतियातन सुपर डुपर सुप्रीम कोर्ट टाइप कोई नाम दे देना चाहिए जिस टाइम हसन हुसैन को भरी किया जा रहा था ये तो मैं समझता हूँ अदालतों की मेहरबानी है देखिए एक बात तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अदालतों का कि इनकी मेहरबानी है अगर ये खुद लंदन चली जाती और वहाँ जाके हसन हुसैन के घर नॉक करके कहते हैं कि बेटा भतीजे आई एम सॉरी यार आपके लिए इतनी हमने प्रॉब्लम हुई तो ये आपका आप बरी नामा है और ये कौम का माफी माफीनामा है तो ये दोनों हम आपको देने आए लेकिन चले मेहरबानी वो नहीं गए वो तशरीफ़ इधर ले आए फिर कानून ने कहा कि चलें जी हम ये वाली शिक भी के जो सरेंडर करने वाली है उसे भी ख़त्म तो कर तो करा वो तो... जाके देखे बात सुने बायोमेट्रिक हो मैट्रिक हो या एफ हो ठीक है ये वो ताकतवर लोग है जो घर बैठे कर सकते हैं ठीक है हमारे बच्चे हैं जो इम्तानी सेंटर में जाते हैं या हमारे बच्चे हैं जो वन व्हीलिंग के नाम पर या कभी वन वे के नाम पर गिरफ्तार होते हैं ये इनके बच्चे हैं भी गिरफ्तार हो गया था ठीक है ना मैंने तो बताया नहीं आपको पर्चा तो पहले ही है एक चीज एक और चीज सुन ले के इंसाफ की आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिस वक्त हसन और हुसैन को बरी किया जा रहा था उसी वक्त एक बहत्तर साल को जो पाकिस्तान का सीएम रहा है दो दफा स्पीकर रहा है पंजाब असम्बली का एक सीजनल जनरल वो पॉलिटिशियन है वो पुलिस की हिरासत में गिरा और मैल उसके उसके हड्डी शड्डी के ऊपर भी हो गई

लोग एक के बाद एक भरी होते चले जा हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप करप्शन के वो केसेस जो थे नैब की जानिब से बनाए गए रेफरेंसेस क्या वो गलत थे या जो फैसले आ रहे हैं वो गलत हैं मैं एक क्या कॉन्ट्रडिक्शन है इसे? मैं ये अर्ज करने जा रहा हूं कि जो नैब है ना सबसे पहले तो मुझे नैब की मासूमियत पे हंसी आती है कि पहले उन्होंने करोड़ों रुपए कौम के खर्च करके हाँ, सरें फला, फला, की, की तहकीश के नाम पे इस भूखी नंगी मरियल कॉम के करोड़ों रुपए इन्होंने खा लिए और उसके बाद अब वो कहते हैं की जी ये केसेस तो वक्त का जिया है और ये तो केसेस इनका कोई फायदा नहीं है तो आपको एक बात ये समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ये अदालतें ये कानून ये सारा कुछ जो है ये एक आईवाश है और ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक जाला है ताकतवर के लिए ये कोई जाला नहीं है बल्कि मैं इस प्रोग्राम में आपको एक टिप दे रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में जिन जिन लोगों के साथ किसी तरह पहले या बाद में शरीफ लगता है ना उनको भी बरी कर दिया जाएगा चाहे वो शरीफ खानदान से हो या ना हो ठीक है मैं तो अब खुद अपना नाम सार शरीफ रखने लगाऊ ताकि मैं आसमानी अब, 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 आफात से महफूज हो जाऊं